कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मम्मी, मेरे को बहुत ज्यादा अनोखी चीज दिखी है, ये देखो 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। डिंग डिंग डिंग, अब सेलिब्रेशन करेंगे, हम सेलिब्रेशन करेंगे। 6 मिलियन कितने मस्त दिखते हैं ना, देखो मम्मी। हाँ पापा को दिखा जा, रॉयल 6, रुको मैं पापा को दिखा के आती हूँ। यार मतलब मैं अभी स्क्रॉल कर ही रही थी कि अब होंगे तो अब होंगे, लेकिन फाइनली पापा, ये देखो 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। देखा अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले 6 मिलियन कंप्लीट हुआ। ये बच्चे डांस कर, डांस कर, ये ले जी। कांग्रेचुलेशन, बड़ा सा सेलिब्रेशन चाहिए। हाँ करेंगे, बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, है ना बच्चे? हाँ करेंगे। पिछले 5 मिलियन को भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो कितना बोली मेरे को। हमारा ऐसे ही रहता है, बिना बोले हम कांग्रेस और थैंक यू करते हैं। कांग्रेचुलेशन फॉर 6 मिलियन। थैंक यू। बच्चे तेरे गाल दे देना मुझे। क्या कितनी क्यूट गाल है इसके, देखना चिक्कू तू भी देख, ये देख क्या, देख 6 मिलियन देख कैसे दिखते हैं। हाँ तो फिर एक काम करो, ये वाले मोबाइल के अंदर भी है ना मोटा हाथी लगा दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो ना यार, पूरा बारिश का मौसम हो गया और यहाँ पे ना बादल भी गरज रहे कि बारिश ना आ जाए आज। तो आज मैं ना बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से आज मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि इस संडे को है ना हम 6 मिलियन सेलिब्रेशन करें। और मैं आज मम्मी को बोल रही थी कि है ना मैं 6 मिलियन पे जो ड्रेस पहनूंगी ना हम आज वो खरीद के लेके आ जाता है ना, है कि नहीं? अरे यार अब देखो बारिश भी चालू हो गई। मैंने ऐसे सुना कि रिचार्ज वगैरह करने का है मामा का। हाँ। हाँ। पापा हाँ। वो मामा के मोबाइल का रिचार्ज कर दो ना। यही रह गया मेरे जिंदगी में, मामा के मोबाइल का रिचार्ज करो, ये करो वो करो, तो कर दो ना। मामा को एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। मामा को भी कोई इम्पोर्टेंट कॉल करने का रहता क्या? हाँ। लगता है ना आज बारिश आने वाली है। क्या बारिश आने वाली है आज? अभी क्या आ रहा, फिर ये लावा बरस रहा है ऊपर से। दिख रहा नहीं क्या, गिल्ला हो गया तुम नीचे वहां पे? दिख रहा हूँ। पापा सुनो ना, इस बार है ना 6 मिलियन का सेलिब्रेशन करना है, मतलब करना है। और करेंगे ना, और आप ना हमें मार्केट जाने से बिल्कुल नहीं रोकोगे। हाँ। मुझे भी नया ड्रेस लेने का। हाँ मम्मी को भी नया ड्रेस लेना है, मुझे भी नया ड्रेस लेना है। आप चलोगे साथ में? मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे को काम है, समझे क्या? और तुम शायद से आज ही जाने वाले होंगे मार्केट में। हाँ। अभी बारिश चालू है उसका क्या? तो हम कार में जाने वाले हैं, पैदल थोड़ी जाने वाले। हाँ ना? और वो मार्केट में वहाँ पैदल नहीं घूमना पड़ता क्या? कुछ नहीं होता, इतनी बारिश नहीं होगी मार्केट में। जाओ फिर देखो। पैसे फोन पे में है ना पैसे तुम्हारे? नहीं नहीं। अरे नहीं तुम तुम्हारे है उसके फोन पे में है उसके? नहीं, 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 नहीं
उसके उसके पैसे ले। गैया मेरी गैया मेरी प्यारी गैया, लगता है आज ना बारिश आने वाली है ना, तो मेरी गैया नहीं आने वाली है मेरे से मिलने के लिए, तो अभी मैं क्या करूँ फिर। अभी एक बार जाके ना मैं बालकनी के अंदर देख लेता मेरी प्यारी गैया आई क्या नहीं, नहीं दिख रही मेरी प्यारी गैया, मेरी प्यारी गैया मेरी प्यारी गैया। तो देखो मुझे है ना 6 मिलियन का बहुत बड़ा सा सेलिब्रेशन करना है, इसलिए आज हम मार्केट में जा रहे हैं। तो मैं ना 6 मिलियन के लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस लूंगी, फिर मुझे है ना जेल नेल्स होते हैं ना वो भी कराने हैं, और मम्मी के भी जेल नेल्स कराने हैं, और क्या है, और वो जो फायर गन होती है ना मम्मी वो भी लेके आनी है हमें। अब देखते हैं हमारी सिटी में वो फायर गन मिलती है कि नहीं, पता नहीं मिलेंगी क्या नहीं, नहीं होप करते कि मिलेगी। और उसके बाद में मुझे ना पटाखे भी लेके आने हैं फोड़ने के लिए, और डेकोरेशन भी एकदम अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, और और कुछ नहीं, इतना ही काफी है। सबके लिए पापा को साथ में लेके जाना पड़ेगा। हाँ पापा, यार तुम जाना है और क्या है तुमको? नहीं नहीं नहीं, पापा को साथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये सब काम पापा के सिवा हो ही नहीं सकता। कपड़े ले सकते, बाकी का डेकोरेशन का सामान आपको ही देखना पड़ेगा। यार फुल ऑन बारिश का मौसम नजर आ रहा है, और बारिश भी आ रही है यार थोड़ी थोड़ी, ऐसा ना हो कि हम मार्केट में जाए और बहुत ज्यादा बारिश आ जाए। नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए, गणपति पप्पा ऐसा मत करना यार प्लीज। तो देखो मैंने ना बहुत दिनों के बाद में अपना ये गॉगल पहना है। अब मैंने एक बार पहना था तो काफ़ी सारी लड़कियों ने कहा कि आपके ऊपर बहुत सूट होता है, इसलिए मैंने वापस पहन लिया। और हाँ ये देखो, ये जो मेरी लेदर वाली पैंट है ना, आज मैं यही पहनने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत दिन हो गए मैंने पहनी नहीं है, मतलब कब पहनी थी मुझे वो भी याद नहीं। देखो देखो नहीं यार, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी तेज, अभी तो और ज्यादा तेज बारिश चालू हो गई है, अब कैसे जाएंगे हम मार्केट। प्लीज यार मत आना, बारिश ऐसे क्यों कर रही है? क्या इस बारिश की वजह से हमारा मार्केट जाना कैंसिल हो जाएगा? एंड कुछ दिन बाद मेरी एग्जाम है, अगर अभी 6 मिलियन का सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। यार मुझे तो अभी ऐसे लग रहा है कि है ना मेरा 6 मिलियन का सेलिब्रेशन खराब करके ही रहेगी ये बारिश। आज कैंसिल करने का मार्केट जाना फिर? पापा ऐसे मत बोलो, थोड़ी देर देखेंगे, बारिश रुकी तो जाएंगे आज, कुछ भी बारिश नहीं खुलने की, अभी बारिश नहीं खुलती शाम तक। भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत टेस्टी बना, मुझे ना रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था इसलिए मैंने पास्ता बना लिया। यार मम्मी देखो ना, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अपना मार्केट का सारा प्लान फेल हो जाएगा। हाँ ना, कितनी बारिश हो रही है। दीदी तू टेंशन मत ले, अभी है ना मैं ना अभी डायरेक्ट है ना भगवान से बात करता हूँ, भगवान को डायरेक्ट बोल देता ये बारिश बंद करने के लिए। भगवान अभी क्या है ना ये बारिश बंद करने की, नहीं तो फिर है ना फिर मैं बात नहीं करूंगा फिर तुमसे। अभी बारिश अभी बंद होने वाली है, अभी टेंशन मत लो मम्मा। ए दीदी बारिश बंद होने वाली है अभी। पापा पापा कहाँ है? पापा पापा ए बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, गरमा गरम समोसे साथ लाया। वाह पापा आप तो मस्त बारिश में गरमा गरम समोसे खा रहे हो। ले तू भी खा, जलेबी भी खा। जलेबी भी है? हाँ। वाह समोसा जलेबी दोनों खा रहे हैं पापा। मार्केट का क्या? मार्केट का भी बस बारिश मालिक। ये सब छोड़ो, गाना क्या गा रहे थे फिर से एक बार सुनाओ पापा। अरे मैं ये गाना गा रहा था बारिश का, नहीं क्या? ए बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, समोसा भी साथ लाया। वाह वाह वाह, अभी क्या हीरोइन को साथ लाएंगे? अगर बच्चे हमको समोसा और हीरोइन में चॉइस दी जाए तो हम क्या चूज करेंगे? समोसा। मेरे पुत्र पुत्र आप क्या चूज करोगे बताओ कमेंट में। पापा आप है ना वो गाना है ना गलत गा रहे थे,
उसके अंदर है ना बोतल है बोतल, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और दूध की बोतल साथ लाया मैं घर से निकल आया बोतल साथ में लेके तो फाइनली देखो बारिश जो है वो रुक गई है और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है, तो अभी हम लोग मार्केट जा सकते हैं। यस यस यस, चलो जल्दी से। मैंने तो पापा को बोल भी दिया कि आप जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, हम तुरंत आ रहे हैं। यस, आज तो हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, मेरे 6 मिलियन सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी करेंगे। इससे ज्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं हो सकती कि हम फाइनली मार्केट जा रहे हैं। पापा आप तो बहुत खुश होंगे हाँ देखो खुशी दिख रही है आपको पापा के चेहरे पे की। मम्मा देखो मुझे है ना एकदम अच्छा सा वन पीस गाउन चाहिए, और अभी 15 दिन के बाद में मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो बर्थडे पे भी हम ड्रेस लेने वाले हैं। तो मैं क्या सोच रही थी इस बार सेलिब्रेशन पे ना वन पीस गाउन ले, फिर बर्थडे का हम बाद में डिसाइड करेंगे क्या लेना है। बर्थडे के लिए ऐसे डॉल का ड्रेस लेंगे, पूरे डॉल लगना चाहिए। हाँ प्रिंसेस बार्बी डॉल जैसे ना। हाँ ठीक है चलेगा, बर्थडे का तो डन हो गया, अभी के लिए मैं सोच रही थी हम वन पीस गाउन ले फिर। ठीक है ना, वहाँ जाके देखेंगे ना, बहुत जो दुकान में अच्छा लगेगा सबसे बेस्ट लगा वो लेंगे। ठीक है चलेगा, चलेगा ना पापा आपको पैसे आप ही को देने। मैंने तुम्हारे पैसे से लेने वाले, बर्थडे के टाइम पे मैं लेके दूंगा। ठीक है ऐसे भी चलेगा। चलो तो पहुंच गए हम लोग मार्केट में। जब भी मार्केट आती हूँ ना यार मुझे ना एक अलग सी खुशी सुकून मिलता है, किस किस के ज्यादा से होते हैं। लड़कियों यार आप सब तो समझोगे यार, मार्केट आना यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत मस्त लगता है। बट अब हम आपके पैसे से लेने वाले हैं। हाँ बर्थडे को मैं दिला के दूंगा ड्रेस। हाँ ठीक है, अभी भी जो लेने का ना मेरे चॉइस का लेने का। हाँ हाँ पापा की चॉइस वैसे बहुत मस्त होती है। ऐसे लग रहा है वो बालू की खाल है पूरी। देखो बालू वाला देखो ये वाला एक सही है, मतलब सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग एकदम मस्त लग रहा है ये ड्रेस पहनना है। इसके स्लीव्स भी बढ़िया है, क्या कहना है आपका। वाव ये ब्लू कलर में अच्छा है ना, हटके है ना ये। हाँ कुछ नया है ऐसे कुछ है नहीं ना मेरे पास, आई थिंक मुझे ना इसको ट्राई करके देख लेना चाहिए, है कि नहीं। तो मम्मी को ये ब्लू वाला ड्रेस बहुत पसंद आया। वाव ये वाला ड्रेस देखो ना कितना सुंदर है, एकदम डॉल वाली फील आ रही है मुझे इसमें, ये भी ट्राई कर लो। फिर मुझे दिखा एक स्नो व्हाइट वाला ड्रेस, बट मुझे ये देखना था कि पापा कौन सा ड्रेस पसंद करेंगे। गर्ल्स आप लोग बताना कौन सा वाला अच्छा है। तो देखो ये ब्लैक वाला भी एकदम मस्त है ड्रेस, ये मैं ना ट्राई करके आ जाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा ना फिर हम वही लेंगे। बताओ ये ब्लैक वाला ड्रेस कैसे लग रहा है मुझ पे। ये ड्रेस परफेक्ट पार्टी वेयर जैसे दिख रहा है, जैसे एक्ट्रेस पहनती है। बट फिर भी मैं पापा का वेट कर रही थी कि पापा एक बेस्ट सा ड्रेस चूज करेंगे। मुझे भी एकदम अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक है ना, और ऐसा कोई गाउन भी नहीं है मेरे पास। गर्ल्स आप लोग बताओ ये ब्लैक वाला वन पीस गाउन मुझ पे कैसा लग रहा है, मैं ना सेकंड वाला गाउन पहन के आती हूं। वाओ बहुत सुंदर ड्रेस निकाला आपने, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर पापा ने ये वाला ड्रेस चूज किया। तो ये वाला ड्रेस भी पापा को बहुत पसंद आया, पर ये गोल्डन वाला ड्रेस बहुत महंगा है। आप सब लोग बताओ ये वन पीस गाउन कैसे लग रहा है, इसका कलर भी एकदम अच्छा है। यार ये वाला जो वन पीस गाउन है ना ये मुझे बहुत 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 ज्यादा प्यारा लगा, अब देखते हैं और भी दूसरे है ना वो भी ट्राई कर लेती हूँ, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा ना वो वाला लगेगा।
देखो आप कौन सा ट्राई कर रहे हो। ये देखो अभी है ना, मैं ये वाला गाउन ट्राई करके आती हूं। पापा ने ये गोल्डन वाला वन पीस ड्रेस चूज किया है और मम्मी ने ब्लू वाला ड्रेस चूज किया है, अब मैं कौन सा वाला लूँ? अच्छा लग रहा है आपको ये? मम्मी आपको कैसे लग रहा है? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गर्ल्स आप सबको कैसे लग रहा है? मेन आप बताओ आपको कैसे लग रहा है? वैसे ये वाला मुझे भी अच्छा लग रहा है ना? तो जो मेरी मम्मी को ड्रेस पसंद आया है अभी मैं वो वाला ट्राई करूंगी, ब्लू वाला। वैसे ये मुझे भी देखते के साथ पसंद आ गया था, एकदम यूनिक है ना। चलो मैं इसको ट्राई करके आती हूं। अब तो मैं सुपर कंफ्यूज हूँ कि मैं पापा की पसंद का गोल्डन वाला ड्रेस लूँ या फिर मम्मी की पसंद का ब्लू वाला ड्रेस लूँ। देखो ये वाला वन पीस गाउन कितना ज्यादा प्रीटी लग रहा है मुझ पे, मतलब मैंने ना कुछ यूनिक ट्राई किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अभी है ना मैं एकदम सच सच बताऊंगी, मुझे है ना इन तीनों गाउन में से कौन सा वाला पसंद है। एक तो है ये ब्लैक वाला जो मैंने सबसे पहले ट्राई किया, तो भी एक बताने का। हाँ तो मैं सबको बता रही हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। फिर ये वाला एक है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा यार। पापा हम दो नहीं ले सकते क्या? तू एक कौन सा अच्छा लगा वो तो बोल पहले। बहुत कंफ्यूज हूँ मैं इन तीनों में। आई थिंक मुझे ना ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक पीस है ना, तो ये यूनिक है मेरे लिए, ये वाला अच्छा है ना। तो देखो पापा ने ना मेरे लिए एकदम हैवी वाला है ना ये बारबी डॉल वाला ड्रेस पसंद किया है येलो कलर में, तो मैं ना एक बार ये भी ट्राई करके आती हूँ, देखती हूँ ये मुझ पर कैसे दिखता है। आपको कौन सा पसंद है? मेरे को ये वाला अच्छा लगा था। देखो ये वाला, हाँ काफ़ी सुंदर ले लेने का कहिए। हाँ ले लो ना, तो ले ले फिर इसको चुपचाप। हाँ तो उसको बोल मत, उसको सरप्राइज देने का। ठीक है आप ही देना उसको सरप्राइज। देखो उसको पसंद आया ये। बताओ ये वाला ड्रेस कैसे लग रहा है? मुझे ना वो टाइटैनिक वाली गर्ल की फील आ रही है। मम्मी ने एकदम सही बात बोली, फिर से बोलो क्या बोल रहे थे आप? बालवीर देखता था बताओ तो मेरी तरह। कौन सा पसंद आ रहा है दोनों में से? दोनों भी। हाँ मेरे को दोनों भी पसंद है, दोनों एकदम यूनिक है, कलर भी एकदम अच्छा है। और अब कैसे करेंगे? कौन सा लेने का बोलो, तू डिसाइड करे कि ले कोई भी। ये वाला, हाँ ये वाला ले। ये महंगा वाला? हाँ महंगा वाला, क्योंकि अच्छा है ना। ठीक है ले ले ये वाला ले ले। तो फाइनली पापा मेरी खुशी के लिए मुझे ना दोनों वन पीस गाउन दिला रहे। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले ले दोनों ले ले। विल देता ना बच्चा। चलो मेरे को पता था पापा ही विल देंगे। मेरे से पेमेंट करो। अब फोन निकाल ही लिया है तो कर भी दो। दे दो स्कैनर। हाँ कितना हो रहा टोटल? 8290 हो गया, 8000 कर दीजिए। पापा बहुत खुश हो है ना? यस 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 यस, दिन चेक दिन चेक दिन चेक। तो मेरा जो ड्रेस है ना वो अल्टर वगैरह करके एक घंटे के बाद में मिलने वाला है, तब तक हम क्या मार्केट घूमते हैं ना, एक घंटे के बाद में वापस आके मेरा ड्रेस घर पे लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे डेकोरेशन का वगैरह देखेंगे। चलो यार ये ब्लू वाला ड्रेस भी देखो ना कितना अच्छा है। टेंशन में आ गई ये दोनों। चलो काश यार ये सारे ड्रेस है ना मैं अपने घर पे ले जा सकती थी। देखो अभी सेलिब्रेशन किया ना, बहुत सारी तैयारियां करना बाकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी है ना थोड़ी देर में बहुत बड़ा वाला कांड होने वाला है, वो आप है ना नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। और मैं बता रही थी कि मेरा जो सेलिब्रेशन है ना वो संडे के दिन होने वाला है, तो जितने भी मेरे घर के आसपास लड़कियां रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और जो मेरे घर आ सकते हैं, आप है ना ठीक शाम को 7 बजे संडे के दिन आ जाना, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ओके सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।